पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बहुत ही कमाल के कलाकार की, जो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। नाम है इनका सतीश चंद्र कौशिक, जिन्हें हम सतीश कौशिक के नाम से जानते हैं। बंदे का नाम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट, ये क्या नाम हुआ भाई? ये बंबई शहर में लोग मजबूरी को मजाक बना देते हैं, और वही मजाक कभी कभी नाम भी बन जाता है। मैं फिल्म लाइन में प्रोडक्शन मैनेजरी करता हूँ, और आर्टिस्टों को एयरपोर्ट छोड़ने और लेने जाता हूँ। आर्टिस्टों को, यानी कि हीरोइन को भी? सबको। अमिताभ बच्चन से असरानी और श्रीदेवी से अरुणा ईरानी, सबको हजारों बार प्लेन में छोड़ने गया और लेने गया, पर कसम से मेरा अभी तक प्लेन में बैठने का प्रोग्राम नहीं बना। जन्म 13 अप्रैल सन 1956 में हुआ। जगह हरियाणा का महेंद्रगढ़। इनका बचपन बीता दिल्ली में, और दिल्ली शहर से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। साल रहा सन 1972। सतीश कौशिक बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, और एक्टिंग में भी कॉमेडी ही करना चाहते थे। इन्होंने जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, जहाँ पे इनके बैचमेट्स थे अनुपम खेर, कविता चौधरी, अनीता कन्वर। ये जानते थे कि ये महमूद साहब जो जॉनी वॉकर साहब की तरह फिल्मों में कॉमेडी कर सकते हैं। इनका ये भी मानना था कि जिस तरह का चेहरा मोहरा इनका रहा, इन्हें कॉमेडियन का रोल ही मिल सकता है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पर 80 लाख रुपए का ऑर्डर है, और आपकी फैक्ट्री है बहुत छोटी। आप इतना बड़ा ऑर्डर तैयार कर पाएंगे? हम ऑर्डर वक्त पर पूरा कर लेंगे मिस्टर। मिस्टर एयरपोर्ट, हिंदी में हवाई अड्डा, आप लोग प्यार से मुझे अड्डा साहब कह सकते हैं। अड्डा साहब, आप हमें एक मौका तो दीजिए प्लीज। आई लाइक योर सिंसियरिटी। एनएसडी में काम करने के बाद ये एफटीआई पहुंचे। वहां पर तकरीबन इन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग ली, पर वहां पे भी इनके जो साथी कलाकार थे, जब वो अपनी डिप्लोमा फिल्म्स बनाते तो इन्हें एक्टिंग का मौका नहीं मिलता था। इन्हें यह एहसास हो गया कि कैमरे के पीछे जो ऑर्डर दे रहा है, वो जो डायरेक्टर है, उसी का काम इन्हें भाएगा। इन्होंने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी, इंटरनेशनल, नेशनल, हर तरह के आर्काइव छान डाले, और उसके बाद इन्होंने सोच लिया कि मैं कैमरे के पीछे रहूंगा, और मुंबई चले गए। उस दौरान इन्हें फिल्मों में काम तो नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी पकड़ ली, और साथ ही नादिरा बब्बर का एक जुट थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। वहां पर ये नाटक किया करते थे और दिन में मिल में काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें काम नहीं मिल रहा था। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, और फिर जब मेरे अपनों ने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया, तुमसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता क्यों नहीं है? रिश्ता है। देख, तू गरीब, मैं गरीब, और भगवान कसम भाई है, गरीब का गरीब से तो वो रिश्ता होता है जो भाई का भाई से नहीं होता, बेटे का बाप से नहीं होता। और सच बात तो यह है, भगवान कसम, पहली नजर में दिल में उतर गया है। तू चल। आजा। फिल्मों में जो ये मकाम पाना चाहते थे, वो इनसे कोसों दूर था। तब इन्होंने मन बनाया कि ये एक असिस्टेंट बन जाएंगे, और इन्होंने शेखर कपूर का असिस्टेंट बनना पसंद किया। शेखर कपूर आज की तारीख के महानतम फिल्म मेकर्स में से एक हैं। शेखर कपूर को इन्होंने 3 फिल्मों में असिस्ट किया, एक रही मासूम, फिर रही जोशीले जो आधी ही बनी, और तीसरी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया के निर्माण के दौरान ही इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई बोनी कपूर से, और साथ ही जावेद अख्तर के साथ भी। जावेद अख्तर साहब और बोनी कपूर साहब कहते, यार तू डायरेक्टर क्यों नहीं बनता है? धीरे धीरे इन्हें डायरेक्शन का मौका मिला। एक कहानी करके टेलीविजन पर एक सीरियल आया करता था, जिसमें एक एपिसोड सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया। जब और लोगों को दिखाया तो सब दीवाने हो गए। आगे जाकर बोनी कपूर ने इन्हें रूप की रानी चोरों का राजा ऑफर की। भगवान का सब, घबराओ नहीं भैये, सही हाथों में आके अटके हो। अरे गुरु, क्या कर रहे हो? मार मार के लोंडे का प्रोग्राम बिगाड़ दोगे क्या? और भैये तू भी अपना रास्ता ना, ये गुरु बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अरे मगर मेरा बक्सा इसने। अरे बक्से को मार गोली और तू गुल हो जा। भैये तेरे बक्से से महंगा है ये खून। इन्होंने मशहूर कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारों की राइटिंग भी की। दरअसल ये कहानी लिख रहे थे रंजीत कपूर, वो थिएटर के दिनों से इन्हें जानते थे। रंजीत कपूर साहब ने इनसे कहा कि सतीश मेरी मदद कर, मैं चाहता हूँ कि जरा स्क्रिप्ट में कुछ हाथ बटा दे। फिल्म कुंदन शाह ने बनाई थी, और इस फिल्म में सतीश कौशिक को एक बड़ा कमाल का रोल भी मिला। मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का रोल इन्होंने निभाया, और उसके बाद दीवाना मस्ताना के पप्पू पेजर को कौन भूल सकता है। इन्हें 2 बार बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से नवाजा गया, 1990 में फिल्म राम लखन के लिए, और 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए।
फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के बाद इन्होंने फिल्म बनाई प्रेम। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो नतीजे न दे पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म प्रेम में तो संजय कपूर और तब्बू पहली बार हीरो हीरोइन की तरह नजर आए थे। सन 1995 के बाद लंबा अरसा लगा इन्हें फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं डायरेक्ट करने के लिए। इन्होंने आगे जाकर टीवी काउंटडाउन शो फिलिप्स टॉप 10 भी एंकर किया और उसके ये सह लेखक भी रहे। आगे जाकर सन 2005 में इन्होंने फिल्म वादा बनाई। इनकी कंपनी का नाम है चित्रयुग। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई शशि कौशिक से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ शानू कौशिक, जो कि सन 1996 में ये दुनिया छोड़ चल बसा। वो मात्र 2 बरस का ही था। 2012 में इनके बेटी हुई, नाम रखा वंशिका। यकीनन सतीश कौशिक ने अपने बहुत से गम छिपा भी लिए, लेकिन अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से हमें खूब हंसाया भी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में हरफन मौला कलाकारों की जब फहरिस्त बनेगी तो सतीश कौशिक का नाम पहले सफे पर होगा। अच्छा तुम यहाँ अकेले रहते हो, कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा? है क्यों नहीं है, एक दूर का चाचा है और एक मुंह बोली भाभी। दूर का चाचा मुझसे दूर ही रहता है और मुंह बोली भाभी कभी मुझे मुंह नहीं लगाती। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।